नसों में ब्लॉकेज की समस्या आम ही सुनने को मिल रही है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो इसके पीछे की वजह ब्लॉकेज भी हो सकती है। नीले रंग की नसें एक जगह रस्सी की तरह गुच्छों में इकट्ठी हो जाती है, जिसे वेरिकोस वेंस कहते हैं, और ऐसा तब होता है जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और अच्छे से नसों में दौरा नहीं कर पाता। नसों में ब्लॉकेज होने की बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल ही है। जो लोग बाहर का फास्ट फूड, ऑयली खाना और अनहेल्दी डाइट लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वजन बहुत ज्यादा है, और उन लोगों को ये समस्या कम उम्र में होने लगती है। अगर नसों में ब्लॉकेज है तो कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर नसों से सारी गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। नंबर एक, लहसुन और दूध का देसी नुस्खा। ये नुस्खा इतना कारगर है कि इससे बंद नसें तो खुलेंगी ही, साथ ही में जोड़ों का दर्द, चोट लगने पर होने वाले दर्द को भी जड़ से खत्म कर देगा। बस दूध में कुछ लहसुन की कलियां उबालें और उनका सेवन करें। खाने में भी लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। लहसुन वाले तेल से नीली नसों की मसाज करें। नंबर दो, लहसुन अदरक, गर्म पानी और काढ़ा। लहसुन अदरक का सेवन अधिक करें, क्योंकि ये दोनों चीजें ही नसों की अंदरूनी सफाई करती रहती हैं। लेकिन गर्मी में इसका सेवन ज्यादा ना करें। ग्रीन टी, तुलसी, दालचीनी का काढ़ा आदि पिए, गर्म गुनगुना पानी पीते रहें। ये सब चीजें आपकी नसों को साफ ही करती है, लेकिन ज्यादा सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है। उचित मात्रा में ही सेवन करें। नंबर तीन, गर्म तेल की मसाज। जो हिस्सा बार बार सुन्न होता है, वहाँ गर्म तेल की मसाज शुरू करें। आप जैतून, नारियल तिल या सरसों का तेल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल को बिना गर्म करे ही इस्तेमाल करें। नंबर चार, गर्म पानी से सिकाई। ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए गर्म पानी की सिकाई भी अच्छी मानी जाती है। इससे मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है। गुनगुने पानी से नहाएं। नंबर पाँच, हल्दी वाला दूध। सर्दी के मौसम में हल्दी वाला दूध जरूर लें। हल्दी ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने में बेहद मददगार होती है। इससे दर्द और सूजन से भी आराम मिलता है। आपकी डाइट का भी इसमें अहम रोल है। विटामिन बी, विटामिन B6 और विटामिन B12 लें। दूध, पनीर, दही, केला, बीन्स, ओटमील आदि लें। अगर हाथ पैर सुन्न होने का कारण अनीमिया है तो भी खून की कमी से हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है, इसलिए डाइट में आयरन, कैल्शियम भरपूर लें। खून बनाने वाले आहार जैसे गाजर, सेब, अनार, चुकंदर खाएं। सूखे मेवे में अंजीर, भीगे हुए बादाम, अखरोट, किशमिश खाएं। फल और हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। नसों में ब्लॉकेज की समस्या उन्हें ही अधिक होती है जो सही डाइट नहीं लेते और फिजिकली एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं और घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता। सैर व योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज कर पसीना बहाना चाहिए ताकि नसें खुले। नसों के बंद होने की परेशानी को अनदेखा ना कर समय पर ध्यान देना जरूरी है ताकि सर्जरी व दवाइयों से बचा रहा जा सके। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।